टॉपर्स और एवरेज बच्चे में जो डिफरेंस मेन जो होता है ना, वो मुझे नज़र आता है कि टॉपर्स को ये पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना होता है, लेकिन उनको सिर्फ इतना ही पता है कि ये पढ़ना है, उनको सिलेबस पता होता है कि ये पढ़ना है। टॉपर का स्ट्रेटजी सबसे मस्ट है, प्लानिंग स्ट्रेटजी। मैं चार वर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, मैं बोल देता हूँ दोबारा से, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। एनालाइज करना होता है पहले पूरे सिलेबस को कि सिलेबस है क्या, उसके बाद से उसको इंटरप्रिटेट करना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये क्या पढ़ना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना, बहुत सारे टॉपिक से जो नहीं पढ़ना होता है आपको, पहले सिलेबस को एनालाइज कीजिए, उसके बाद से अपने जो सिलेबस है उसको समराइज फॉर्म में लाइए, उसको क्लासिफाइड कीजिए, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप रिविज़न जल्दी कर सकें और आपका बेहतर पढ़ाई हो सके। तो ये बेस्ट तरीका होता है टॉपर की। ये सबसे पहले मैं जो इसका कंट्रीब्यूशन, जो इसका श्रेय है, अपने अम्मी अब्बू को देना चाहूँगा, और फिर मैंने जहाँ से कोचिंग किया है, जो जैफी आजमी सर हैं जो कि मेंटर ऑफ आईडीमी, किंग ऑफ कॉमर्स के नाम से जाने जाते हैं, उनको देना चाहूँगा, काफ़ी सपोर्ट रहा पूरी जर्नी में और मैंने सक्सेसफुली ये जर्नी कंप्लीट किया और मैं इस मौका मेरा जब मार्क्स आया तो बहुत लोगों ने मुझे साइंस ही को बोला कि प्रेफरेंस देने के लिए एज द कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट इज़ गोइंग ऑन इन द बिहार, बट स्टिल आई परस्यू कि मुझे 468 मार्क्स आया है। खबर के प्रायोजक हैं गेट रेडी फॉर द रेवोल्यूशन, इट्स कमिंग टू यू नाउ, इट्स कमिंग टू यू नाउ, एंड आई विल नॉट ब्रेक अस डाउन, नो विल नेवर ब्रेक अस के एग्जाम में पास करने तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का हब बना उत्तर बिहार का एकमात्र संस्थान एपिक्स इंस्टीट्यूट। दरभंगा के प्रसिद्ध बायोलॉजी शिक्षक डॉक्टर डी कुमार MBBS MD, नई बैच 7 मार्च से प्रारंभ। पता खान चौक, रहमगंज, दूसरा चौबे लॉज, नाका 5, डोनार रोड, दरभंगा। द किंग ऑफ कॉमर्स दरभंगा में मैं अभी लाइव आने का जो मेरा मकसद है PC करने का, वो जो पॉइंट है मैं पहले सबसे पहले वो बता दूं। पहला कि जो रिजल्ट यहाँ से अचीव हुआ है, बिहार का 5th रैंक IDMI द किंग ऑफ कॉमर्स, ये प्रत्येक वर्ष ये संस्था टॉपर देती आई है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे कुछ सवाल है बिहार बोर्ड से, इसके एजुकेशन सिस्टम से, एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो सेट किए जाते हैं उस पर और रिजल्ट के ऊपर। तो मेरा मेन जो मुद्दा है आज का कॉन्फ्रेंस का, वो एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर है। साथ में हमारे साथ मौजूद है हमारे इस साल के बिहार टॉपर 5th रैंक आकिब, MD आकिब, साथ में डिस्ट्रिक्ट टॉपर ही मौजूद है, एक और डिस्ट्रिक्ट रैंक है जो अभी पहुंचा नहीं है, इस वजह से मैं बाद में आपसे इंट्रोड करवा दूंगा। लेकिन जो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये संस्था एक वर्ष टॉपर देती आई है और देती रहेगी अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। साथ में हमारा सवाल सबसे पहला है कि जैसे कल अपने बच्चों का जो रिज़ल्ट आया उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिसके रिजल्ट बहुत अल्टरनेट रिजल्ट था, अल्टरनेट का मतलब कि मार्क्स बहुत दूर दूर तक उसका मार्क्स नहीं आना चाहिए, वैसा इतना कम मार्क्स दिया गया है, उसको मैं आऊँगा, उसके नाम पे, नंबर पे, मार्क्स पे, मैं सब चीज़ पे आता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं इस बच्चे का अजरा का लूँगा, अजरा ने जो मार्क्स अचीव किया है वो आपके सामने मैं सबसे पहले रखूँगा। इसने जो अकाउंटेंसी में अचीव किया है वो मार्क्स है 97, अच्छा मार्क्स है, इस मार्क्स में आपके कमी नहीं है। दूसरा मार्क्स है बिजनेस स्टडीज़ का 85, इकोनॉमिक्स में 95 है, इंग्लिश में 93 है, उर्दू में 86 है। अब इसमें इंग्लिश, उर्दू और बिजनेस स्टडीज़, इसमें 85 और 86 मार्क्स है जो कि बहुत असंतुष्ट वाला मार्क्स है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसकी रीक चेक हो, कॉपी चेक कराई जाए दोबारा। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो हम लोग इसके लिए आगे भी कोशिश करेंगे, आप लोग अगर मीडियागण इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। साथ ही एक और चीज़ कल देखने को मिली जो बहुत अचंभित वाली बात थी, केमिस्ट्री एडिशनल सब्जेक्ट में डाला हुआ था एक साइंस के बच्चे के रिजल्ट में। मैं कॉमर्स से हूँ, मेरा कॉमर्स फील्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास टॉपर आ गया तो मैं खुश हो जाऊँ, मैं अपनी मार्केटिंग कर लूँ। मेरा मकसद बस ये है कि एजुकेशन का सिस्टम बिहार में या पूरे भारत के अंदर बहुत अपर लेवल पर जाए और बहुत बेहतर हो। उसके लिए आपको, टीचर को, स्टूडेंट को और जिन बोर्ड से भी जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उन सबको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना होगा। इसमें अगर कहीं कुछ सजेशन चाहिए
कहीं कुछ बदलाव करना होगा तो मैं उसके लिए हमेशा कोशिश करूंगा हेल्प करने के लिए, और जहां तक हमारी अथक कोशिश होगी मैं ज़रूर करूंगा उसके लिए। दूसरी बात यह है कि रिजल्ट आने के बाद बच्चे जो रिजल्ट ले आते हैं, आप सबको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड री एग्ज़ाम करती है उसको, एग्जामिनेशन करती है उसका, रीचेक करती है, कॉपी को मिलाती है, मार्क्स रियल में यही बच्चा लाया है या कोई और तो नहीं ले आया है, इसको वेरीफाई करती है। लेकिन इसमें किन बच्चों का वेरिफिकेशन हो पाता है, जिसकी कॉपी एकदम बहुत बेहतर जो जिसका दिखता हो, मतलब जो बहुत अच्छा लिखने में खूबसूरत दिखता हो, बस उस पर ध्यान देती है। लेकिन वो बच्चे मारे जाते हैं उसके रिजल्ट, जिन बच्चों की कॉपी अच्छी लिखी गई है लेकिन हो सकता है कहीं पे हैंडराइटिंग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा हो, तो उसको इग्नोर करते हैं। उसकी मेन वजह है बिहार बोर्ड के ज़रिए बहुत तेज़ी में रिजल्ट दिया जाना। मैं मानता हूँ आप फायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलोवर नहीं रहे, लेकिन उस फायर बनने की कोशिश में उन बच्चों के भविष्य को भी ज़रूर ध्यान दीजिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात हुई, DEO से बात हुई, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मार्क्स को ऐड करके बस चेक कर लिया जाएगा कि सही ऐड हुआ या नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि नहीं रीचेक नहीं होगा, इन्होंने कहा कि रीचेक नहीं होगा, साफ लफ्ज़ों में कहा, उनसे यही बात हुई। तो हम लोगों ने आवेदन लिखा है उन बच्चों की तरफ से जो DEO को भी पेश करेंगे, कॉलेज को भी देंगे, अगर इन लोगों के ज़रिए अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर हम लोग इस पर आगे काम करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी में उन सभी बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, जो बच्चे पूरी मेहनत करते हैं और वो हकदार हैं रिजल्ट के लिए ये पहुँचने। मैं चाहूँगा कि मेरे आदित्य मिश्रा एक स्टूडेंट, वो भी है और भी कई स्टूडेंट हैं जिसके हम लोग रीचेक करवाने के लिए आपसे आग्रह किया है, टॉपर की ज़ुबानी फिर से सुन लीजिए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर एक रैंक अच्छा होता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे क्या कह रहे हैं सुनिए। क्या प्रॉब्लम हो गया आप जो रीचेक की मांग कर रही हैं? जी वो इसलिए क्योंकि मेरा जो BST का पेपर था वो मेरा सारे के सारे पेपर से सबसे बेस्ट गया था, और जाके मैंने घर से भी मिलाया है, उसमें अगर बोर्ड वाला अगर नंबर काटता भी है कोई गलती पे तो वो कम से कम मैक्सिमम वो 5 नंबर काटेगा, बट मेरा 15 नंबर कट चुका है, 85 आया मेरा, और बाकी सारे पेपर में आप लोग अगर देखेंगे तो सब में मैक्सिमम नंबर है। अगर रैंक पे भी अगर आप जाकर देखें तो उससे भी मतलब अच्छा नंबर है मेरा, अकाउंटेंसी में भी 97 है, इंग्लिश में भी 93 है, उसके बाद इकोनॉमिक्स में 95 है, लेकिन मेरा BST में 85 कर दिया गया है, और उसके बाद उर्दू में भी 86 कर दिया गया है। अब कॉपी जो चेक हो रहा है मतलब वो अजीब टाइप से चेक हो रहा है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से लिखा था, देखिए अकाउंटेंसी भी मैंने ही लिखा था ना, तो उसमें भी 97 आया, अगर राइटिंग की बात होगी तो उसमें तो मिला सकते हैं सब, उसमें भी अच्छा लिखे थे, उसके बाद BST में भी बहुत अच्छा मैंने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन फिर भी उस हिसाब से वैसा मेरा नंबर नहीं आया। जी मेरा नाम अजरा परवीन है। इस बार आप कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट में कैमा पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है मेरा डिस्ट्रिक्ट में। नाम से जानते हैं क्षितिज, आई थिंक एक्चुअल में जो इसका नेम है वो क्षितिज है, तो ये भी लेट हो गया थोड़ा इसको आने में, तो इसका जो रैंक है वो डिस्ट्रिक्ट का सेकंड रैंक है, इसने जो अचीव किया है दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट में, तो इस बच्चे का भी मार्क्स ठीक है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज पेपर है हिंदी और इंग्लिश ये बहुत कम मार्क्स, 457 है, हिंदी में मेरा आया 84, इंग्लिश में 88, अकाउंटेंसी आया 96 और BST 95 और एंटरप्रेन्योरशिप में 94 आया है। एक्सपेक्टेशन करता था क्योंकि मैं बना के आया था, मेरा ऑब्जेक्टिव भी कम गलती था, मिनिमम उससे कम था, जितना आया है ना उससे थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए था नंबर, लेकिन क्या आप रीचेक की मांग करेंगे?